अच्छा, अब देखिए शेयरिंग हो रही है। सर फर्स्ट स्लाइड पे है, आप उसमें बस चेंज स्लाइड पे, कर। बिल्कुल मैं चेंज करता हूँ, सेकंड स्लाइड पे चल जाता हूँ। अब सेकंड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड आ गई है, सर चेंज हो रहा है सर। चेंज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अब ये जी है, सर वाई टू ऑर्गेनाइज द डेटा टू कन्वीनियंटली डिस्प्ले द डेटा, ठीक है। जी सर और ये यही हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग डेटा है, सब ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है हाउ टू मेक ए टेबल, और उसमें डेटा आपके पास मौजूद है कि 3, 2, 5, 3, 0, 1, आप मुख्तलिफ घरों में जा रहे हैं, और ये आपके पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ने इन ईच फैमिली वो आपको बताया जा रहा है। क्लियर है असद? क्लियर है सर। अच्छा ठीक ये है, बस 30 नंबर ऑफ हाउसेस है। जी, बिल्कुल 30 फैमिलीज हैं और उनमें गए हैं आप लोग, और उसमें आप लोगों ने डेटा कलेक्शन शुरू की है। और अब आपको कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे घर में 3 बच्चे हैं। जैसे मैं आपसे सपोज पूछ लूं आपके कितने भाई हैं, आप मुझे बताती हैं कि एक बंदा बताता है कि वो 3 भाई हैं उसके, दूसरा बताता है 2 भाई हैं, तीसरा बताता है 5 भाई हैं, तो ये आपके पास वो डेटा यहाँ पे शेयर हो रहा है सर जी। सर रिकॉर्डिंग काइंडली स्टार्ट कर दे सर। रिकॉर्डिंग पर यार ये बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ये रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी, ठीक हो गया जी जी। सर अब डेटा की तो समझ आ गई है ना, डेटा की समझ, डेटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आ रहा है, ठीक है। तो हम जाते हैं आपके टेबल के मेन फीचर्स के पास, मेन कंपोनेंट्स आपके पास क्या है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कि आप सीरियल नंबर दे देते हैं, जिस तरह आपके क्लास नंबर्स होते हैं, रो नंबर्स होते हैं, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई हो सकें। तो ये आपको सीरियल नंबर आपके टेबल को दिए जाते हैं। फिर उसका टाइटल होता है, टेबल का टाइटल होता है कि ये टेबल किस चीज़ के बारे में है। तो अभी जो हमारे पास डेटा है उसमें हमने क्या टाइटल देना है, उसमें देना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पिशावर या कोई भी। जी किसको प्रॉब्लम है? जी क्वेश्चन है, जो आपका टाइटल है, तो टाइटल में फिर आप लोगों ने बनाना जो है उसमें 4 क्वेश्चंस अपने आप से आप करेंगे, और उन 4 क्वेश्चंस की मदद से आप अपने टाइटल को बनाएंगे। और वो 4 क्वेश्चंस जो हैं बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप अपने आपसे क्वेश्चन करें कि ये किस चीज़ का टाइटल है, किस चीज़ का है, क्या चीज़ इस टेबल में मौजूद है, व्हाट, ठीक है। फिर ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है, पीको से कलेक्ट किया गया है, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल का है, या आपके पास ये डिस्ट्रिक्ट पेशावर का है तो वेयर, और फिर हु, ये स्टूडेंट्स का है, ये टीचर्स का है, ये पेशेंट्स का है, ये डॉक्टर्स का है, हु, कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो हमारे पास जो इन्वॉल्व हैं, जो अभी हम डेटा में आपको बता रहा था, तो उसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, तो वो चिल्ड्रन हु में आता है। और व्हेन, आपके पास व्हेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा कब आप कलेक्ट कर रहे हैं, ये 2020 में कलेक्ट कर रहे हैं या ये 2000 में कलेक्ट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे व्हेन का जो जिक्र है वो अपने टाइटल में करना है। तो टाइटल में जब आप इन 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दें तो आपका टाइटल बन जाएगा। और फिर आपका पहला, अगर आपके पास टेबल है तो उसको सीरियल नंबर 1 पे आप कर देंगे, टेबल नंबर 1 आपके पास आ जाएगा। अगर ये तीसरा टेबल है, इससे पहले आप 2 टेबल बना चुके हैं, तो फिर आपके पास यहाँ पे सीरियल नंबर 3 आ जाएगा, तो टेबल नंबर 3 आपके पास आ जाएगा। तो आप आपके पास जिक्र करें कि जी टेबल नंबर 3 में ये डेटा मौजूद है, तो लोग आसानी से टेबल नंबर 3 के पास चले जाएंगे और उसमें देखेंगे कि आपके पास इसमें क्या चीजें मौजूद हैं। फिर नंबर और टाइटल जो है ये कहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये हर जगह पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि ये लोगों ने नीचे भी दिया है, ये लोगों ने राइट हैंड साइड पे दिया है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ये वो ये है कि टेबल नीचे होता है और नंबर, सीरियल नंबर और टाइटल उसके ऊपर होता है।
फिर आप लोगों ने इसमें बात की मेरे साथ कि आपके पास जो रोज हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उनको इस टेबल में कैप्शंस और स्टब के नाम से पुकारा जाता है कि कैप्शंस आपके पास क्या है और स्टब क्या है। तो जो स्टब है वो जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला कॉलम होता है जिसमें आपके पास बाकी कॉलम्स के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, वो स्टब कहलाता है। और कैप्शन जो सबसे आपके पास ऊपर वाली रो होती है जिसमें दूसरे कॉलम्स के बारे में बताया जाता है कि इनमें क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो कैप्शन कहलाता है। फिर जो हम एवरेजेस हैं या टोटल होता है, कॉलम टोटल और रो टोटल हम बता देते हैं कि कॉलम टोटल क्या है और रो टोटल क्या है। और जो इसका आखिरी हिस्सा होता है उसको फुट नोट कहते हैं। फुट नोट में आपके टेबल को कोई एलाबोरेशन की ज़रूरत होती है, कोई क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे मौजूद होता है। आपके पास फुट नोट जो है वो टेबल के नीचे स्मॉल आपके पास टेक्स्ट में ये लिखा जाता है। अगर आपका टेक्स्ट आमतौर पर साइज 12 में होता है तो ये जो है साइज 10 में आपके पास फुट नोट में लिखा जाता है, जिसमें सोर्स ऑफ द डेटा भी आप लिख सकते हैं। और ये हमारे पास इस तरह की, जी बेटा कोई क्वेश्चन किसी का हो रहा है? ये अब हम देखें, सीरियल नंबर और टाइटल आपके पास ऊपर है। टाइटल में आपने लिखा है कि पेशेंट्स एडमिटेड इन ए टीचिंग हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर 1999, 2000 और 2001, ठीक है। ये अब सीरियल नंबर और टाइटल जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो इसकी पहचान है, वो हम ऊपर लिखते हैं। और नीचे आपका टेबल होता है। टेबल में अब कैप्शन जो है वो सबसे ऊपर वाली रो है, जिसमें 1999, 2000 और 2001 आपके पास कैप्शंस में आते हैं। 1999 में कितने पेशेंट्स हैं, स्टब में आपको बताया जाता है कि मेडिकल वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, आप्स गायनी है, पीड्स है, ये आपको आपके पास स्टब मौजूद है। तो मेडिकल वार्ड में 1999 में आप देख लें आपके पास 600 पेशेंट्स हैं, 2000 में वो पेशेंट 700 हो जाते हैं, 2001 में मेडिकल वार्ड में जो पेशेंट्स एडमिट हो चुके हैं वो 850 पेशेंट्स हैं। अब देखें अगर आप स्टेटिस्टिशियन हैं तो ये क्या के पास 1000 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो यही सारी स्टैटिस्टिक्स होती है, ये आपको बता रहा है कि जी मेडिकल वार्ड में अब आपके पास बेड्स होने चाहिए, आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए, आपके पास नर्सेज होने चाहिए, ये चीजें मौजूद होनी चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। ये सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स है, आपको सारी चीजें बता रही हैं। तो स्टब, कैप्शन, टाइटल, सीरियल नंबर और सबसे आखिर में फुट नोट आपके पास होता है सबसे लास्ट में, कि आप कोई एलाबोरेट करें कि ये जो मेडिकल वार्ड है ये ए बी सी से बना हुआ है, इसमें यहाँ पे 4 मेडिकल वार्ड्स हैं हमारे पास, या आपके पास 3 मेडिकल वार्ड्स हैं, तो वो फुट नोट में आप बता सकते हैं कि ये फुट नोट में क्लेरिफिकेशन आपकी टेबल की हो जाती है। तो ये टेबल बन जाता है, इस तरह ये टेबल के कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। अब वही डेटा पे हम चले जाते हैं जो डेटा हमने पहले हमारे पास डिस्कस होके आया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज 3, 2, 5, 3, ये आपके पास डेटा आ रहा है। तो जो सबसे पहला है इसके साथ जो आपने अमल करना है वो इस डेटा को आपने एक ऑर्डर देना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन यूजुअली लोग असेंडिंग ऑर्डर देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर दे देते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे आखिर में सबसे बड़ा नंबर दिया जाता है। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर होती है। तो ये सबसे छोटा नंबर आपके पास 0 है। 0 मीन्स कि आप किसी घर में गए हैं और वहां पे आपने पूछा है आपके घर में कितने बच्चे हैं, और उन लोगों ने आपको बता दिया कि जी हमारे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है। तो आप कितने घर वाले आपको ये बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट आपके पास होनी शुरू हो जाती है कि जी 2 घर ऐसे हैं
यहाँ पे कोई, मैंने आपको बता दिया था कि ये 30 घर है हमारे पास, और 30 घरों में दो घरों में कोई बच्चा नहीं है। फिर आप देखते हैं कि तीन घरों में एक एक बच्चा है। तो जब तीन घरों में आप गए हैं तो उन्होंने आपको बता दिया है कि हमारे घर में एक बच्चा है। अब जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो अब आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है कि जी जीरो से लेकर आपके पास डेटा 8 तक मौजूद है, जीरो से लेकर 8 तक मौजूद है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जीरो से 8 तक मौजूद है। अब एक घर में आप गए हैं तो वहां से उन्होंने आपको बता दिया कि हमारे पास तो 3-4 फैमिलीज हैं और उनमें से हर एक में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, और टोटल जो हमारे घर में बच्चे हैं वो 8 मौजूद है। तो एक घर वालों ने आपको 8 बच्चे बता दिए, दो घर वालों ने आपको 7-7 बच्चे बता दिए। तो आपके पास अब देखिए बहुत सारी आपकी समझ आपको अपने डेटा की आने लगी है सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में करने से, कि जीरो से लेकर आपके पास जो बच्चों की तादाद है डिफरेंट फैमिलीज में वो 8 तक जा रही है। और इसके बाद अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना दें तो ये और भी हमारे पास समझ में आ जाएगा। और ये हमारे पास वही डेटा हमारे पास आ रहा है और ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास आ गया है। तो पहले हम कंसंट्रेट करते हैं इसके पहले दो कॉलम्स में, जिसमें ऊपर लिखा गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और दूसरे में फ्रीक्वेंसी। बाकी टेबल को अभी आप छोड़ दें, अभी बाकी टेबल नहीं डिस्कस करते, पहले ये दो कॉलम्स डिस्कस कर देते हैं। ये दो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं असद जी? सर आ रहे हैं सर। ठीक है, सबको आ रहे हैं? सफिया आपको नजर आ रहे हैं? जी सर आ रहे हैं। जी तो ये देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके पास जब जीरो है, आपके घर में कोई भी बच्चा नहीं है, तो कितने लोगों ने आपको बताया है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। दो घरों ने आपको, दो लोगों ने आपको बताया कि उनके घर में कोई बच्चा नहीं है, और तीन घरों ने आपको बताया कि उनके घर में एक एक बच्चा है, पांच लोगों ने आपको बताया कि उनके घर में 2-2 बच्चे हैं, फिर मजीद 5 लोगों ने आपको बताया कि उनके घर में 3-3 बच्चे हैं, 6 लोगों ने आपको बताया उनके घर में 4-4 बच्चे, 4 ने आपको बताया उनके घर में 5-5 बच्चे, 2 ने आपको बताया उनके घर में 6-6 बच्चे हैं, और एक घर से आपके पास ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, ये डेटा आया है कि उनके घर में 8 बच्चे हैं। ये जो पहले दो कॉलम्स हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर आपको हो रहा है, कोई आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? सर फ्रीक्वेंसी में सर बस हमें नंबर बताएंगे कितने बच्चे थे घर में, आपके पास कितने घरों में कितने बच्चे मौजूद हैं, ये फ्रीक्वेंसी में आपको बताया जा रहा है। अब देखें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, कितने बच्चों की आपके पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, जी बिल्कुल, 4 बच्चों की आपके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि 6 है, 6 है आपके पास। क्लियर क्लियर? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। किसी को समझ नहीं आई है तो वो यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आदत यह है कि मैं कभी भी लेक्चर में कभी भी खफा नहीं होता हूँ। अगर आप उस स्लाइड की बात करें जिस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो अब मैं 2-3 सब कई बार मैं आपको बता सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे यहीं पे पूछे, वरना एक दफा आपको समझ आनी शुरू हो गई तो फिर वो आपको आखिर तक प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद हम तीसरे कॉलम पे चलते हैं जिसमें हमारे पास लिखा गया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम रिलेशनशिप ऑफ फ्रीक्वेंसी की मालूम करते हैं। किसके साथ रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं? तो टोटल के साथ रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो जीरो की फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, और इस जीरो की टोटल में कितना हिस्सा है, कितनी रिलेशनशिप है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो टोटल के साथ टोटल 30 है, तो इसका जीरो का हिस्सा 2/30 है, और इसको अगर हम आगे 2 को 30 से डिवाइड कर दें तो 0.067 आ जाता है, और अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6.7% आ जाता है, 6.7%। तो ये तकरीबन 7% हमारे पास जीरो का हिस्सा है। जीरो जो है वो 7% घरों में मौजूद है। 1 कितने घरों में मौजूद है? तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है,
और ये 3/30 इसका हिस्सा आ जाता है टोटल के साथ। इसकी रिलेशनशिप 3 इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 3/30 हमारे पास आ जाती है। और अगर हम 3/30 हम निकाल दें तो ये तकरीबन हमारे पास 10% आती है। तो 3 का एक बच्चे का हिस्सा कितना है, एक बच्चा 10% घरों में पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है 1 की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 5/30 हमारे पास आती है, इसका हिस्सा 5/30 है। इसी तरह 3 का हिस्सा जो है वो भी हमारे पास 5/30 है। 4 का हिस्सा कितना है, वो 6/30 है। ये तकरीबन 20% आता है हमारे पास। 6/30 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये तकरीबन 20% आता है। 5 का 4/30 है, 6 का 2/30 है, 7 का 2/30 है और 8 का 1/30 है। तो ये हर एक का, हर एक के हिस्से आपको मौजूद नजर आ रहे हैं कि हर एक का हिस्सा टोटल के साथ कितना है। तो किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का 20% है, किसी का 10% है, किसी का 6% है, किसी का 3% है। ठीक है सर, ये परसेंट मिलेंगे, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहां पे लिखनी है तो अगर आपने 2/30 लिख दिए वो भी ठीक है। अगर आपने इसको 2/30 डिवाइड कर दिया है और आपने इसको डेसिमल में लिख दिया 0.067, ये भी ठीक है। और अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, तो ये 6.7% होगा। अगर आपने यहाँ पे परसेंट का निशान दे दिया तो भी ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने 2/30 लिख दिया तो ठीक है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगला जो हमारे पास कॉलम है वो है, मैंने लिखा है CUM और फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी है, ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव आप जानते हैं कि कुमुलेटिव कुमुलेशन से निकला है, एकमुलेट करते हैं, प्लस करते हैं हम, कि इससे पिछले हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो हम यहाँ पे प्लस, पहले नहीं है यहाँ पे जीरो से छोटी कोई चीज मौजूद नहीं है, तो जीरो की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वही आएगी जो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही 2 लिख देते हैं और कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2/30 लिख देते हैं। ये सेम टू सेम आती है जो इससे पहले आपके पास आई थी फ्रीक्वेंसी में आई थी। लेकिन 1 पे देख लें, 1 की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 और इससे पहले आपके पास 0 मौजूद है, 0 की कितनी है 2, तो ये दोनों हम एकमुलेट कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 3 और 2 को हमने प्लस किया तो यहाँ पे हमारे पास जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5 आ रही है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है। अब 5 आपको ये बता रहे हैं कि 1 और 1 से नीचे, 1 से कम आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो यहाँ पे 0 भी इसके साथ ऐड हो जाता है तो वो 5/30 आपके पास आ जाती है, जो कि 16% आ जाती है। अब आगे जैसी 5 है लेकिन 2 से कम बच्चे आपके पास 1 और 0 भी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 और 2 है, तो यहां पे इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 के सामने आपने 5+3+2 आपने लिखना है 10, तो इसमें जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 2 आ रही है, 10 आ रही है 2 के लिए 10 आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कितने ऐसे घर हैं जिसमें 2 या 2 से कम बच्चे मौजूद हैं, तो 2 या 2 से कम बच्चे जो हैं आपके पास हैं वो 10 घर हैं। 10 घर ऐसे हैं जिसमें 0 या 1 या 2 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। और इसकी जो आपके पास कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 10 को टोटल से डिवाइड कर देते हैं वो आपके पास 0.33 आ जाता है, या तकरीबन अगर हम इसकी परसेंटेज निकाल दें तो वो 33.3% आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह हम इससे आगे चलते हैं, जो इसके पास अब 3 हमारे पास आ रहा है तो 3 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 3 वाली भी हम लिखेंगे, 2 वाली भी लिखेंगे, 1 वाली भी लिखेंगे और 0 वाली भी लिखेंगे। तो जब 3 के सामने हम लिखते हैं
तो 15 लिखते हैं. 15 में 5 इसका अपना हिस्सा है, 5 जो है वो 2 का हिस्सा है, 3 1 का हिस्सा है, और 2 जो है वो 0 का हिस्सा है. तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाती है. और जब हम कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं तो 15/30 इज इक्वल टू 0.5 या तकरीबन ये 50% आ जाता. और जब ये हम आगे चलते जाते हैं कम हो जाता है, 8 के सामने हमारे पास सारे का सारा 30/30 डेटा आ जाता है. और ये 100% यहाँ पे हमारे पास हमेशा आएगा. जब आपके पास आखिरी नंबर आएगा तो आखिरी नंबर के सामने आपके पास कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम सर? जी. ये तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया है. अगर हम डिसेंडिंग में ले फिर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. पहले फिर आपने 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है. सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह एड होती है तो वो फिर चेंज नहीं होगी, कोई सेम आएगी. पास 8 का क्या होगा? 8 का जो होगा वो आपके पास 1 होगा, वो 1/30 होगा, वही 1/30 आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे. 7 के सामने पर लिखेंगे तो 7 8 दोनों का लिखेंगे आप. फिर आप ऊपर से शुरू करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये कहा कि 2 या 2 से कम, वहां पर आप लिखेंगे कि जी 6 या 6 से ज्यादा कितने बच्चे आपके पास घरों में मौजूद हैं. फिर आपने जो उसकी डिफिनीशन देनी है, फिर बिल्कुल जो मैंने आपको अभी बताया उसके बिल्कुल अपोजिट आपने डिफिनीशन देनी है. सर जी, सर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये काइंडली जरा दोबारा बताइए सर, ये कैसे आता है सर? जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे पिछले आपके पास रोज चली गई हैं वो आपने यहाँ पे उसी रो के साथ आपने एड करनी है. यहाँ पे मैं आप कोई एग्जांपल देता हूं. ये 25 नजर आ रहा है आपके पास? 25 का क्या मतलब है? जी सर, 25 जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमारे पास 5 है उसके सामने हमने 25 लिखा हुआ है. यानी आपके पास 25 घर ऐसे हैं यहाँ पे जिसमें आपके पास 5 या 5 से कम बच्चे मौजूद हैं. सर ये 25 आया कैसे है सर? ये 25 किस तरह आया है? 25 में 5 के सामने आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है आप बताते जाएं. 4 है सर. 4 है, और 4 के सामने कितनी है? 6 है. तो दोनों को मिला दें कितनी हो जाती है? 6 और 4 को 10 हो जाते हैं. 10 हो जाते हैं. इसके ऊपर देखें 3 में आपके पास कितनी है? 5 है सर. तो वो भी मिला दें 15 हो गई. इसके बाद ऊपर जाएं 2 के सामने कितनी है? 5 सर. तो कितनी हो गई? 20 आपके पास 25 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसमें 5 4 3 2 और 1 और 0 बच्चे आपके पास 25 घरों में मौजूद हैं. ठीक हो गया सर, थैंक यू. ठीक हो गया, वेरी गुड. सर ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के हमारे पास बेनिफिट्स क्या है, हम किस लिए निकाल? जी मैं इस क्वेश्चन का इंतजार बिल्कुल इस क्वेश्चन का मैं इंतजार हमेशा करता रहता हूँ. अगर मेरे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन नहीं किया तो अक्सर मुझे ये शक पड़ने लगता है कि इनको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है. तो शुक्र है कि मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों से सुनना नसीब हुआ, और इसका मतलब यही है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको समझ आ रही है. तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है ना, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों आपने ये यहाँ पे इसको शामिल किया है. ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जी अगर ये आप लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जो पहला ओवर है उसमें दो रन बने हैं, जो फिर नेक्स्ट ओवर गया है उसमें तीन रन बने हैं, फिर पांच रन बने हैं, फिर पांच रन बने हैं, फिर चार रन, छह रन बने हैं, फिर चार रन बने हैं, फिर दो रन बने हैं, दो रन बने हैं और एक रन बना है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपके पास हर एक ओवर में जितने रन बने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये तो आपके डेटा की एक कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आ रहा है जी दो रन बने हैं, पहले ओवर में दो रन बने हैं, जी बिल्कुल दो रन बने हैं, दूसरे ओवर के एंड पे आपके पास पांच रन आपके स्कोर बोर्ड पे मौजूद हैं। वो पांच रन कैसे मौजूद हैं? वो इस तरह मौजूद हैं कि पहले ओवर में दो रन बने, फिर नेक्स्ट ओवर में तीन रन बने, तो आपके पास स्कोर बोर्ड पे पांच रन मौजूद हैं। और जब आप सारे ओवर्स खेल लेते हैं तो आपके पास 30 रन मौजूद हैं, या आपके पास 250 स्कोर होता है, 300 स्कोर होता है, तो टोटल आपके पास आ जाता है कि जी 300 है। और अब पाकिस्तान जो है वो 301 करेगा तो जीत जाएगा। तो इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस तो ये है कि टोटल आपके पास समझ में आ जाता है। और आपने क्रिकेट अगर खेली है तो जब आप उसकी कमेंट्री सुनते हैं तो आपके पास जब दूसरी इनिंग्स शुरू होती है वनडे पे तो आपके पास एक वर्म आ जाता है, एक वो लोग शेयर करते हैं आपके पास एक टेबल जिस पे एक सांप की सी लकीर बनी होती है और वो तिरछी जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, और उसमें आपको ये दिखाया जाता है कि वो कहाँ पे लास्ट पे कहाँ पे टच हो रही है, और जो दूसरी टीम शुरू हो गई है उसकी ये लकीर उससे नीचे जा रही है या ये लकीर उसके ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो इट मींस कि इनका रन रेट ज़्यादा है और ये आसानी से अपने हदफ को हासिल कर लेंगे। तो एक तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई कि आपके पास जी एक सेकेंड जी मुझे बात ख़त्म करने दें फिर आप क्वेश्चन करें। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस तो ये हो गई कि आपके पास प्रिडिक्शन जो है बड़ी आसानी से होनी शुरू हो जाती है, आपके पास प्रिडिक्शन आ जाती है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन जीतेगा। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब आप स्टेटिस्टिक्स आप लोग डिस्कस करते हैं तो स्टेटिस्टिक्स में यूजुअली क्वार्टाइल एक वर्ड हम यूज करते हैं। क्वार्टाइल मीन्स क्वार्टर, 20-25% डेटा आपके पास कहाँ पे मौजूद है, तो क्वार्टर क्वार्टर डेटा आपके पास कहाँ पे मौजूद है, 50% डेटा आपके पास जब दो क्वार्टर्स आ जाते हैं वो 50% डेटा आपके पास कहाँ पे मौजूद होता है। तो ये आपके पास अपने डेटा की कहानी आप लोगों को बताते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 50% डेटा जो है वो कहाँ पे मौजूद है, तो ये आपके पास कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से आता है कि 0.5 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 0.5 3 के सामने लिखा हुआ है, यानी आपके पास अब देखिए इसकी बड़ी आसानी से इंटरप्रिटेशन हो जाती है। 50% घर ऐसे मौजूद हैं जहां पे घरों में 3 या 3 से कम बच्चे हैं। ये इंटरप्रिटेशन आपकी समझ में आ गई? जी सर सही, ठीक है। फिर देखें 75% है इसमें नेक्स्ट क्वार्टर और 25% है इसमें, तो आप अपने डेटा की कंपैरिजन एक और डेटा के साथ कर सकते हैं। अब देखें इसमें अगर ये सपोज हम ये सपोज कर लें कि ये जो टेबल मैंने आपको बताया है ये जो है ये केपी का डेटा है, यहाँ पे केपी का डेटा लिखा हुआ है और केपी का डेटा आपके सामने है। एक और टेबल जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा है और उसमें पंजाब का डेटा है और ये इसी तरह का डेटा मैंने बनाया हुआ है और उसमें देखें उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 0 से लेकर 8 के बजाय वो 16 तक जा रहा है। तो मुझे सिंपल ये बता दें कहाँ पे घरों में ज्यादा बच्चे पाए जाते हैं, पंजाब में या केपी में? केपी में। नहीं जी, आपके केपी में 8 से ज्यादा बच्चे मौजूद नहीं है, जबकि आपको मैंने बता दिया कि पंजाब में आपके पास डेटा जो है वो 16 तक जा रहा है, यानी एक घर ऐसा भी है जिसमें 16 बच्चे पाए जा रहे हैं,
एक दो या तीन घर ऐसे ही जिसमें 15-15 बच्चे पाए जा रहे हैं, तो इट मींस कि जब आप टोटल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो पंजाब में 16-16 बच्चे आपके घरों में पाए जाते हैं, केपी में आपके पास 8 तक आ गए हैं। तो ये तो टोटल के साथ आपने कंपैरिजन किया, लेकिन दरमियान में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दरमियान में ये देखें, इसके सामने यहाँ पे देखें 50% 3 के सामने लिखा हुआ है, और पंजाब में हम देखें तो 50% जो है वो 6 के सामने लिखा गया हो, तो फिर अब क्या है? पंजाब वाले आपको क्या कह रहे हैं? पंजाब वाले आपको क्या कह जी क्या कह रहे हैं? ज्यादा होंगे घरों में, 6 के सामने 0.5 50% लिखा गया है। इंटरप्रेट करें इस सेंटेंस को, इंटरप्रेट कर इस तरह इंटरप्रेट करते हैं बेटा। मैं बताता वाला है सर, मैंने हाइपोथेटिकल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं केपी का ये डेटा आपके पास मौजूद है जिसमें 50% आपके पास लिखा गया है 3 के सामने, और मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती है कि ये 50% जो है वो पंजाब के डेटा में 3 के सामने नहीं लिखा गया है बल्कि 6 के सामने लिखा गया है। तो अब क्या बता रहा है 3 क्या बता रहा है आपको? ये डेटा आपको 50% के हवाले से क्या बता रहा है? ये जो आपके सामने है डेटा, ये क्या बता रहा है आपको? 3 के सामने सर 50% घरों में 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, 3 या 3 से कम बच्चे हैं सर, 3 से कम बच्चे हैं, वेरी गुड। और अगर ये 0.5 जो है ये 3 के बजाय 6 के सामने लिखा हुआ होता तो फिर आप क्या कहते? सर 50% घरों में 6 या 6 से कम बच्चे हैं, वेरी गुड। तो पंजाब वाले अब आपको कह रहे हैं कि जी पंजाब में 6 या 6 से कम बच्चे 50% घरों में पाए जा रहे हैं। तो कहां पे बच्चे ज्यादा हैं, पंजाब में ज्यादा है या केपी में ज्यादा है? पंजाब में, पंजाब में ज्यादा है, वेरी गुड। तो आपने दरमियान में अपने डेटा के दरमियान में भी आप कंपेरिजन कर सकते, ठीक है ना? आपने 50% पे भी कंपैरिजन कर दिया, आप 25% पे भी आप कंपैरिजन कर सकती हैं, आप 75% पे भी कंपैरिजन कर सकती हैं। तो ये आपके पास जो डेटा है उसके दरमियान दरमियान में भी आपके पास कंपैरिजन हो सकती है, क्लियर है? तो ये इसकी दो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चले जी सर, एक वो कंफ्यूजन है, ये जो आपने डिसेंडिंग का बताया है ना सर, तो उसमें हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि अगर ऐड करें तो फिर तो आंसर डिफरेंट आता है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल उल्टा करना है। आप एडी करती जाएंगे, लेकिन आप देखें उसमें आप ऐसी चीज में क्यों अपने आप को कंफ्यूजन में डालने की कोशिश कर रही है? एसेंडिंग कर दे आराम से, बस कोई और करने की जरूरत नहीं है, डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले एसेंडिंग को समझ लें, फिर बाद में फिर डिसेंडिंग करती जाए। ओके सर जी, अब हम आगे चलते हैं, तो हम डायग्राम्स की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम जो हमारे पास बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, टेबल में तो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास अब जो होगा वो डायग्राम्स आपके पास नजर आएंगे, किसी भी बार चार्ट में हिस्टोग्राम में आपके पास डायग्राम्स नजर आएंगे। तो डायग्राम्स की एडवांटेजेस क्या होती हैं? तो डायग्राम्स की एडवांटेज ये है, सबसे पहले एडवांटेज कि वो बड़े अट्रैक्टिव नज़र आते हैं आपको, और उसकी इम्प्रेशन जो है वो कई साल तक आपको याद रहेगी। कंपेरिजन बड़ी आसानी से हो जाता है और बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाता है। टेबल में अभी आपके समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं, लेकिन जब ये टेबल हम अभी देखते हैं एक डायग्राम में, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ आ जाएंगी। फिर जो डायग्राम है उसकी कुछ लिमिटेशन या प्रॉब्लम भी होती है, तो ये यूजुअली अक्सर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स देता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स पे भी अब स्टेटिस्टिक्स वालों ने काबू पा लिया है। और फिर यह है कि इट नीड्स टेक्निकल हैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन, तो आपको टेक्निकलिटीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते थे, हमसे पहले जिन लोगों ने ये स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी, तो वो लोग हाथ में प्रकार और डील रखते थे, एंगल्स बनाते थे, और उसके बाद वो पाई चार्ट बना देते थे। अब आजकल जो है वो प्रकार और
पेंसिल और रबर वो हाथ में रखने की जरूरत नहीं है या एंगल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपका जो कंप्यूटर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए कि आपको SPSS आना चाहिए, SPSS पे डायग्राम्स किस तरह बनाते हैं, ये चीजें आपकी आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो सबसे पहला हम डायग्राम बना रहे हैं उसका नाम है बार चार्ट। और बार चार्ट में क्या होता है, वो ऐसा चार्ट होता है जो कि हम हमारे पास ग्रुप डेटा जो है वो रेक्टेंगल्स में हम लोगों को बताते हैं। और रेक्टेंगल का लेंथ जो होता है उसकी जितनी लेंथ ज्यादा होगी इतना ही उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और उसका लेंथ कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। दोनों तरीकों से हम ये बार्स बनाते हैं, वर्टिकल भी बनाते हैं हॉरिजॉन्टल भी बनाते हैं। वर्टिकली बनाएंगे हम, अभी हम वर्टिकली भी बनाएंगे, लेकिन आपके कंप्यूटर में आपके पास हॉरिजॉन्टली भी बनते हैं। और ये जो वर्टिकल बार चार्ट्स होते हैं इनको कॉलम बार चार्ट्स भी कभी कभी कहा जाता है। तो ये तो हमारे पास बार चार्ट्स आ गए हैं। और ये जो हमारे पास अब वही डेटा है फ्रीक्वेंसी ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट फैमिलीज, और हमने ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, दो एक्सिस होते हैं यूजुअली इस तरह के डायग्राम में दो एक्सिस होते हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ये एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे लिखते हैं। अब देखें हमारे पास जीरो चिल्ड्रन जो है वो कितनी फैमिलीज में मौजूद थे, तो टू फैमिलीज में मौजूद थे। तो यहाँ पे जहाँ पे टू लिखा गया है हम अपना कॉलम जो है वो टू तक उसको लेंथ दे देते हैं, उसकी हाइट जो होती है वो टू तक चली जाती है। एक बच्चा कितने घरों में मौजूद था, तीन घर ऐसे थे जो आपको बता रहे थे कि हमारे घर में एक एक बच्चा है, तो एक बच्चे की जो हाइट है उस वो तीन तक चली जाती है। दो बच्चों की हाइट जो है वो पांच तक गई है, इट मींस के इन घरों में ये जो घर हैं जिनमें दो दो बच्चे हैं वो पांच हैं, जिनमें तीन तीन बच्चे हैं वो पांच हैं। अब ये देखें ये सबसे ऊपर वाला आपके पास कॉलम है, बहुत हाइट है इसकी, और ये किसके सामने है, चार बच्चों के सामने है, और वो कितने घर हैं, छह घर हैं। और उसके बाद ये हाइट कम होना शुरू हो जाती है, नेक्स्ट पांच जो है उसकी हाइट चार तक गई है, छह और सात की हाइट दो दो तक गई है, और आठ जो है वो एक घर में पाया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी वन है तो उसकी हाइट भी वन है। तो ये हमारे पास हमने बार चार्ट बना दिया। तो बार चार्ट आप देखें वो जो टेबल था वो टेबल में हमें इस चीज की समझ नहीं आई थी, हमने उसको डिस्कस किया था लेकिन इस चीज की समझ नहीं आई थी कि पहले फ्रीक्वेंसी कम है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, एक खास हद तक जाती है, चार बच्चों तक जाती है, और उसके बाद फिर ये फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। जब हम आठ तक गए हैं तो आठ तक ये फ्रीक्वेंसी फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो चार बच्चों की है, सिर्फ ये हमने देखा था। लेकिन ये जो एक खास पैटर्न है कम से ज्यादा हो रही है, एक खास हद तक पहुंच जाती है और फिर कम होना शुरू हो जाती है, ये उसकी समझ हमें वहां पे नहीं आई थी। तो अब आप जो है वो बार चार्ट बना सकते हैं। यस सर। सर जी सर इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से एक्सिस पे लगाएंगे सर? नहीं नहीं ये आप हर एक पे लगा सकते हैं, आप हर एक पे बना सकते हैं। ये जो आज का जो वो है जो लेक्चर है ये यूजुअली हम जो जो कल हमने डिस्कस किया था क्वालिटेटिव, ये उन क्वालिटेटिव के लिए यूजुअली हमारे पास होता है, या अगर हम क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव में कन्वर्ट कर दें तो उनके लिए है। ये डिपेंडेंट के लिए भी आप बना सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट के लिए भी बना सकते हैं। इसमें यूजुअली हम एक ही वेरिएबल दे रहे हैं, एक ही वेरिएबल का डेटा हम यहाँ मौजूद होता है, दो का नहीं दे रहे। ठीक है सर। ठीक है अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज भी आप देख लें, एक जो बार आपने बनाया है और दूसरा बार बनाया है उसके दरमियान में खाली स्पेस है, दूसरा बार और तीसरा बार जो आपने बनाया है उसके दरमियान में खाली स्पेस है, फिर जो है वो दरमियान में तमाम के दरमियान में खाली स्पेसेस मौजूद हैं। तो इसकी समझ आती है ये खाली स्पेसेस क्यों मौजूद है? ये कंटिन्यूअस नहीं है सर।
वेरी गुड। तो ये डेटा जो है आपके पास, ये डिस्क्रीट डेटा है। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको, आपके साथ डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट डेटा में आप जंप करते हैं, जीरो से आप जंप कर रहे हैं वन पे, दरमियान में कोई भी डेटा नहीं है मौजूद, जीरो और वन के बीच में नहीं आ सकता है। कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि जी हमारे घर में आधा बच्चा मौजूद है, आधा बच्चा तो नहीं हो सकते ना। जब नहीं हो सकते तो ये जो आपके पास डेटा है ये डिस्क्रीट डेटा है, और डिस्क्रीट डेटा के लिए आपने बार चार्ट्स बनाने हैं। जब आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा तो अभी हम कंटिन्यूस डेटा पे जाएंगे, तो उसमें एक बार दूसरे बार के साथ मिला हुआ होगा, उसमें खाली स्पेस नहीं होगा। जहां पे आपके पास जीरो खत्म हो रहा है और वन शुरू हो रहा है तो वो कंटिन्यूटी में शुरू होगा। ठीक हो गया जी, ठीक है। आपके पास बार चार्ट है, आगे जाए। जी सर आगे जाए। ठीक है जी, ये इन पे अपने आपको ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको समझ में आनी चाहिए। ये कंपोनेंट बार चार्ट है। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या है, ये आपके पास एक ही जो बार है उसमें कंपोनेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। चार कंपनियों की इनकम जो है वो यहाँ पे 2000 में आपको बताई जा रही है कि 2000 में उनकी कितनी इनकम हो रही है। चार कंपनियां हैं, ये केपी की है, पंजाब की है, बलूचिस्तान की, ये सिंध की है। उसी केपी के डेटा जो कंपनी है उसकी एक साल के बाद कितनी इनकम हो रही है, उसी की डेटा की इनकम एक साल बाद कितनी हो रही है। तो ये आपको, ये जो आपके पास अब कंपोनेंट, एक एक बार में मुख्तलिफ कंपोनेंट आपके पास आ जाते हैं, और जैसे ही ये कंपोनेंट आपके पास आ जाते हैं, स्टेटिस्टिशियन इसको पसंद नहीं करते क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ब्लू ज्यादा हो रहा है कि ये आपके पास जो मेरून है मेरून ज्यादा हो रहा है, या ग्रीन ज्यादा हो रहा है, या ये जो आपके पास दूसरा कलर है ये ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, समझ नहीं आती है। तो ये जो कंपोनेंट बार चार्ट है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो कुछ लोग फिर कहते हैं कि जी आप लोग कंपोनेंट बार चार्ट ना बनाएं बल्कि मल्टीपल बार चार्ट्स बनाएं। मल्टीपल मींस कि एक ही जगह पे, एक ही मंडे पे एक बंदे ने कितनी कमाई की, दूसरे बंदे ने कितनी कमाई की, तीसरी बंदे ने कितनी कमाई की, तो एक दूसरे के ऊपर रखने के बजाय एक ही जगह पे उन तीनों को रख दिया गया है। अब इसकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी अब कंफ्यूजन है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये जो अब बार चार्ट से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं बन रहे हैं तो इसको मल्टीपल बार चार्ट्स कहते हैं, मल्टीपल बार चार्ट्स। अब क्या है, अब हम लाइन ग्राफ शुरू करते हैं, हम लाइन ग्राफ बना देते हैं। और लाइन ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे, ये वही बार चार्ट है जो अभी हमने आपने खुद बना लिया था। जीरो की फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू है, वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी थ्री है, और ये टू और थ्री है, और फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी फोर की है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वही बार चार्ट मौजूद है। हमने क्या किया, ये बार चार्ट के ऊपर दरमियान में एक डॉट बना दिया, दरमियान में एक डॉट बना दिया। डॉट हमने बना दिया, और अब क्या करते हैं, एक डॉट को दूसरे डॉट के साथ मिला देते हैं, और जो नीचे बार था वो बार को रब ऑफ कर देते हैं, बार को खत्म कर देते हैं। अब देखिए ये एक लाइन आपके पास आ गई है, ये जो लाइन है इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं, लाइन ग्राफ भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। ये वही डेटा है आपके पास मौजूद है, और इस पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और बल्कि मैं पहले आपसे क्वेश्चन कर दूं कि इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। जी असद जी सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लाइन ग्राफ क्यों आपने बनाई, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो बार चार्ट है उसके टिप्स हमें शो कर रहा है सर, ये इसके इंक्रीज या डिक्रीज शो कर रहा है सर। जी बिल्कुल। जी सफिया आप कुछ कह रही हैं, कंपेयर भी कर रहा है सर।
वेरी गुड बेटा, ये कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कंपैरिजन के लिए? ये देखें, ये बार चार्ट है, ये अभी अभी जो हमने डिस्कस किए बहुत सारी चीजें, आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट हमने डिस्कस किए या ये दूसरे चार्ट हमने डिस्कस किए, ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास कंपैरिजन हो रही है। ये केपी का डेटा है, ये पंजाब का है, ये सिंध का है, ये बलूचिस्तान का है, लेकिन यहाँ पे कितनी कंफ्यूजन है। आप इसको और इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसकी बात करें तो देखें, ये मंडे के ऊपर ग्रीन आ रहा है, लेकिन ये रेड और ब्लू को आपने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक और कंफ्यूजन भी है, अगर आप इसी जगह पे रखें जीरो के सामने पंजाब का डेटा भी रखें, तो अगर पंजाब का डेटा इसके से ज्यादा होगा तो वो तो रेड में आपके पास नजर आएगा, ग्रीन में आपके पास नजर आएगा, लेकिन अगर उससे कम होगा तो वो इसके सामने नजर नहीं आएगा, ये उसको छुपा लेगा। लेकिन अगर आप लाइन ग्राफ शो करें, ये ब्लू लाइन ग्राफ है, रेड इसके साथ करें, इसके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई परवाह नहीं है, आपको रेड भी नजर आएगा और ब्लू भी नजर आएगा। तो ये आपको कंपैरिजन में बड़ी आसानी पैदा करता है, बड़ी आसानी से इसकी एक डेटा सेट की दूसरी डेटा सेट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया जी, बार चार्ट तक हम, बार चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और टेबल हमने बना लिया जी। कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड जी। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास अब कंटिन्यूस डेटा के लिए भी हम कुछ करते हैं। कंटिन्यूस डेटा है हमारे पास, क्वांटिटेटिव डेटा है, और उस कंटिन्यूस डेटा को या क्वांटिटेटिव डेटा को हम अब इसी टेबल, बार चार्ट, पॉलीगॉन, इन सब की शक्ल देंगे। ये देखें जी, ये डेटा किसका है, ये डेटा एज का है, पेशेंट से आप एज पूछ रहे हैं, कितने पेशेंट से आपने एज पूछी, 30 पेशेंट से आपने एज पूछी, किस चीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, और आपने पहले बंदे से एज पूछी, उसने आपको बता दिया जी मेरी एज 48 ईयर्स, दूसरे बंदे से आपने एज पूछी, वो आपको बता रहा है कि उसकी एज 32 ईयर्स है, तीसरे बंदे से आपने एज पूछी, वो आपको बता रहे हैं उसकी एज 51 ईयर्स है। लेकिन अब इस डेटा की, ये रॉ डेटा आपके पास आ रहा है, रॉ डेटा कोई कहानी नहीं सुना रहा है, कभी 32 है, कभी 51 है, कभी 45 है, कभी 67 है, समझ नहीं आ रही है किस तरह का डेटा है, ये बूढ़े लोगों का डेटा है, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोगों का डेटा है, या क्या करें इसके साथ। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो स्टेप है, उस डेटा को हम एक ऑर्डर दे देते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर में हमने दे दिया, 32 से लेकर डेटा हमारे पास 71 ईयर्स तक है, 30 लोगों का डेटा है, सबसे जो जिसकी एज सबसे कम है वो 32 ईयर्स का है, और जो सबसे ज़्यादा एज वाला है वो 71 ईयर्स तक। थोड़ा सा उसने आपको इशारा दे दिया कि आपके डेटा किस किस्म का मौजूद है, इस इशारे को हम ये भी कहते हैं कि ये आपको कहानी सुना रहा, कहानी सुनानी शुरू कर दी उसने, और वो अब इस तरह की, ये डेटा जो है हम इसी तरह नहीं बना सकते कि जी 32 के लिए हमने एक बार बना दिया, फिर क्योंकि 33, 34, 35 पे कोई डेटा आपके पास नहीं है तो यहाँ पे जीरो आएगा, फिर 36 पे आपके पास एक की फ्रीक्वेंसी होगी, फिर 37, 38, 39 पे जीरो की फ्रीक्वेंसी होगी। जो बार चार्ट आप बनाएंगे खूबसूरत नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। कैसे खूबसूरत लगेगा? जब यहाँ पे आप छोटे छोटे डिविजन्स बना दें कि जी 32 ईयर से लेकर हम 5 साल के लिए एक डिविजन बना देते हैं, 32 से 37 ईयर्स तक हम पहला डिविजन बना देते हैं, 37 ईयर्स से बाद मजीद 5 साल के लिए एक डिवीज़न बना देते हैं, और डिवीज़न में ये डेटा दे देते हैं, तो हमारे पास डेटा की खूबसूरती आ जाएगी।
ये जो हम ग्रुप्स बनाते हैं इनको हम क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं, क्लासेस भी कहते हैं, सिर्फ इंटरवल्स भी हम कहते हैं, ये किस तरह हम बनाए? तो उसके तीन तरीके हैं। ये जो इंटरवल्स हम बनाएंगे उसके तीन तरीके हैं। ये इंटरवल्स जो हैं कभी कभी इक्वल होते हैं और नॉन ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, यानी ये नहीं है कि एक बंदे की एज जो 37 ईयर्स है उसको दो जगह पे आपने शो कर दिया, ये वो नीचे वाले ग्रुप में भी है ऊपर वाले ग्रुप में भी है, इस तरह नहीं होगा। 37 ईयर्स वाला बंदा जो है वो एक ग्रुप में शामिल होगा, एक डिवीजन में शामिल होगा, दो में नहीं आएगा, दो डिवीजन में, दो ग्रुपों में नहीं आएगा, सिर्फ एक ग्रुप में आएगा। तो ये ग्रुप आप किस तरह बनाएंगे? तो पहला तरीका तो ये है कि आप मेडिकल इंपॉर्टेंस पे अपने वेरिएबल को डिवाइड कर दें। यूजुअली अगर आप फीमेल्स की एज देख लें तो फीमेल की एज जो है वो उसकी अपनी माइलस्टोन्स होती हैं। आपने सुना होगा कि जी जो छोटी बच्ची है 5 साल तक की बच्ची है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, 5 साल से लेकर 15 ईयर्स तक जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, प्री प्यूबर्टी की इम्पोर्टेंस है, 15 ईयर्स से लेकर वो 45 ईयर्स तक वो बच्चे पैदा कर सकती है तो वो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, 45 ईयर्स के बाद उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये जो माइलस्टोन्स आपके पास आ रहे हैं 5 ईयर्स की, 15 ईयर्स की, 45 ईयर्स की, ये माइलस्टोन्स जो हैं ये मेडिकल इम्पोर्टेंस है। तो इन मेडिकल इम्पोर्टेंस पे आप अपने वेरिएबल की डिवीजन कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं, और कोई भी आपको नहीं चैलेंज कर सकता कि ये क्यों आपने किया है। कोई भी स्टेटिस्टिशियन आपको चैलेंज नहीं कर सकते, आप बेशक बना दें लेकिन एक रेफरेंस दे दें कि जी ये रेफरेंस है और इस बुक की रेफरेंस की मदद से मैंने ये जो एज ली है वो इसकी 0 से 5 ईयर्स तक मैंने पहली डिवीजन ले ली है, पहली क्लास ले ली है, और 5 से 15 ईयर्स तक दूसरी क्लास ले ली है, 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक तीसरी क्लास ले ली है, और मोर देन 45 ईयर्स की मैंने चौथी क्लास ले ली है। कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकते, आप बेशक बना दें, एक रेफरेंस दे दें। दूसरी तरीका जो है वो ये है कि इक्वल वेट्स दे दें जी, 5-5 साल की वेट्स ले लें या 10-10 साल की वेट्स ले लें। अब ये जो है जब आप 5 साल की वेट्स लेते हैं 0 से 5 ईयर्स तक, 5 से 15 ईयर्स तक, सॉरी 5 से 10 ईयर्स तक, 10 से 15 ईयर्स तक, 15 से 20 ईयर्स तक, अब देखें हर एक की वेट जो है वो इक्वल है लेकिन इनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। मुमकिन है 0 से 5 ईयर्स में 3 लोग होंगे, 3 छोटी बच्चियाँ होंगी, और 5 से 10 ईयर्स में 5, 10 to 15 ईयर्स में 10 होंगी, 15 to 20 ईयर्स में 4 होंगी। तो मुख्तलिफ इनके दरमियान में फ्रीक्वेंसीज आ सकती हैं, अन इक्वल फ्रीक्वेंसीज होंगी। आपकी वेट्स जो हैं या डिविजन जो हैं या क्लासेस जो हैं वो इक्वल होंगी, हर एक की वेट इक्वल होगी लेकिन उनमें जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो अनइक्वल होंगी। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि अनइक्वल वेट्स ले लें। किस तरीके से ले लें? ये पहले 10% लोगों को जो है वो पहला वो देते हैं, पहली डिवीजन देते हैं। मुमकिन है अब वो 0 से 20 ईयर्स तक आ जाए, दूसरे जो आपके पास 10% लोग हैं उनको दूसरी वेट देते हैं, अब उसकी जो वेट्स होगी वो कोई और होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, जो जितनी फ्रीक्वेंसी आपके पास 10% की आ रही है, 20% की आ रही है, तो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इक्वल हैं लेकिन उनकी वेट जो है, इंटरवल जो है वो डिफरेंट आपके पास आ सकते। यूजुअली हम 10% या 25% डेटा हर एक फ्रीक्वेंसी में, हर एक डिवीजन में ले सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जो आप मेडिकल। जी बेटा। Yes. सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर, ये जो सेकंड क्लास ऑफ इंटरवल आपने एक्सप्लेन किया सर, इसमें इक्वल वेट्स लेते हैं तो 0 से 5 और 5 से 10, 10 से फिर 15, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं आता सर ये, क्योंकि 0 से 5 उसमें भी आ गया उस ग्रुप में और फिर 5 से 10 तक उसमें भी 5, तो हम उसको करेंगे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन जी बेटा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको अभी मैं आंसर करता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी पहले इसके बाद वाली स्लाइड में इसका आंसर मौजूद है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मुझे आपने इम्प्रेस कर दिया। क्वेश्चन सारे लोग इसके क्वेश्चन को जहन में रखें, पहले हम इसकी वेट्स जो हैं, तो जो
फिर एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहला हमने लिया है मेडिकल इम्पोर्टेंस में, उसमें देखें आपने जो इंटरवल्स हैं वो डिफरेंट लिए हैं, और उनमें जो आपके पास डेटा आ रहा है वो भी डिफरेंट आ रहा है, 0 से 5 ईयर्स तक, 5 से 15 ईयर्स तक, अब डिफरेंट रेट्स है, एक में 5 है, एक में 10 है, और फिर उसके बाद 15 से अगर आपने 45 ले लिया तो उसकी वेट जो है वो अब 30 आ रही है, लेकिन इनमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आपके पास आएंगी। तो जो पहला आपने लिया है उनकी वेट्स भी डिफरेंट है और उनकी फ्रिक्वेंसीज भी जो हर एक वेट में आ रही है वो भी डिफरेंट है। दूसरा जो आपने लिया है उसमें इक्वल वेट हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, अब हर एक की जो वेट है वो 5 ईयर्स की है, और जो उसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है वो डिफरेंट आ सकती है। और तीसरा जो आपने लिया है उसमें फ्रिक्वेंसीज आपने ले ली हैं, अब उल्टी साइड से आपने शुरू किया है, ये 25% फ्रिक्वेंसीज हर एक वेट में लेते हैं, तो पहले जो 25% फ्रिक्वेंसीज आपके पास आ रही है उसके लिए आप डिवीजन बना देते हैं, वो जीरो से कहाँ तक आ रहे हैं, तो मुमकिन है 15 ईयर्स तक आपके पास आ रहा हो वो पहले जो 25% फ्रिक्वेंसीज हैं वो उसमें आ जाए, 15 से आगे जो है वो मुमकिन है 20 ईयर्स तक आपके पास इस दूसरे डिवीजन में 25% डेटा होगा। तो ये आपके पास इस तरह आएगा कि जो आपने वेट्स लिए हैं वो डिफरेंट होंगी, जो उसमें फ्रीक्वेंसीज हैं वो इक्वल होंगी। तो ये तो आपकी समझ में आ गया। अब जो अब हम इंटरवल लेते हैं, वो इंटरवल जो है वो हम किस तरीके से ले लें, ये थोड़ा सा मैंने वो किया हुआ है वेट ऑफ इंटरवल। अब वेट ऑफ इंटरवल कितने लेने चाहिए, तो यूजुअली 5 से ज़्यादा लेने चाहिए, आप 6 ले लें 7 ले लें, कहाँ तक ले लें, 15 तक ले लें, उसके बाद ना लें। तो 6, 7, 8 जो हैं ये बड़ी खूबसूरत लगेंगी, इसका टेबल आप बनाएंगे वो खूबसूरत लगेगा, लेकिन कोई इसमें आपको मना नहीं कर सकता है कि जी आपने ज़रूर 15 लेनी है, ज़रूर 10 लेनी है, ज़रूर 8 लेनी है, ज़रूर 6 लेनी है, कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता है। आप 6 ना लें, आप 7 ले लें, आप 7 ना लें, आप 10 ले लें, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। कितने ले लें, 6 और 15 के दरमियान में कुछ भी ले लें जो खूबसूरत लगती है। किस तरह लेंगे, तो आप देखें कि आपके पास जो रेंज होता है जिसमें मैक्सिमम जो हमारे पास अभी डेटा मैंने आपको बताया उसमें जिस बंदे की एज 71 ईयर्स थी वो सबसे ज़्यादा एज थी, और एक बंदे की एज 32 ईयर्स थी जो कि सबसे कम नौजवान लड़का था, तो 71 से आपने 32 माइनस किया तो ये तकरीबन आपके पास 39 या 40 आ जाता है। अब 40 को कितने हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, जो 40 है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, तो अगर उसको आपने 10 हिस्सों में डिवाइड किया, सपोज आपने उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो हर एक हिस्से की वेट कितनी आएगी, वो 4-4 साल की आएगी। समझ आ रही है, नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर आप 8 लेंगे तो हर एक की वेट कितनी आएगी, वो 5-5 साल की वेट आएगी। तो ये जो आपने एक चीज ले ली तो दूसरी चीज आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। तो अगर आपने 40 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास हर एक जो इंटरवल है वो 5-5 ईयर्स की आएगी। तो हम देखते हैं वो 5-5 ईयर्स की वेट्स हम ले लेते हैं और उसके मुताबिक हम करते हैं। अब जो सबसे कम एज है वो 32 ईयर्स है, 32 ईयर्स से लेकर हम 5 ईयर्स तक चले जाते हैं तो 37 ईयर्स आ जाता है। अब 37 ईयर्स यहाँ पे भी मौजूद है और नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे भी आपने अगर 37 से शुरू किया तो 37 तो जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया तो 37 तो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें कि ये दोनों में ना आए, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो है ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, 37 सिर्फ एक में आना चाहिए दूसरे में नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो है 37 इसके ऊपर एक माइनस का निशान बना देते हैं, माइनस बार मैंने बना दिया, ये 37 यहाँ पे नहीं आएगा, एग्जैक्टली 37 जो है जिसकी एज है जिसकी आज 37 सालगिरह है वो नेक्स्ट में चला जाएगा, 37 से एक घंटा भी कम है तो वो ऊपर वाले में आ जाएगा, 37 जिसका पूरा नहीं है ऊपर वाले में आ जाएगा। तो ये 32 ईयर से 37 तक चला जाएगा, अप टू 37 हम इसको कहते हैं कि अप टू 37, 5 साल के लिए ये लिमिट है, इंटरवल है 5 साल के लिए। और ये सारे इंटरवल अगर आप काउंट कर दें, ये जो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन और एट। तो टोटल जो इंटरवल्स हमारे पास आते हैं वो एट है, और अब हर एक की जो विड्थ है वो फाइव फाइव ईयर्स की है, और वो फाइव ईयर्स जो है उसके दरमियान में हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिए, और वो डिस्क्रिमिनेशन ये है कि 37 पेज को हमने एक साइड से एक वो कर दिया है, डिवाइड कर दिए कि जो एग्जैक्टली 37 है वो नेक्स्ट में जाएगा, और जिसकी एज 37 से कम है वो ऊपर वाले में आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में देखें, 42 पे ये खत्म हो रहा है और तीसरा 42 पे शुरू हो रहा है, लेकिन ऊपर हमने 42 पे एक माइनस का निशान बना दिया, बार बना दिया, तो 42 जो है अगर उसकी एज 42 ईयर्स की कंप्लीट हो गई है तो नेक्स्ट में जाएगा, कंप्लीट नहीं हुए तो ऊपर आएगा। तो अब आपने देखा, अब आपके पास एक 0 to 5 ईयर्स है, तो 5 पे आपने बार लगा दिया है, तो 5 की एज जिसकी पूरी नहीं हुई ऊपर आएगा, और जिसकी एज जैसे ही 5 पूरा कर लेगी वो पहले वाले में नहीं आएगा, वो दूसरे में चला जाएगा। अब आपने डिवाइड कर दिया, अब क्वेश्चन की समझ आ गई है, आपने जो क्वेश्चन किया था। जी सर, समझ आ गई सर। सर, और इसको इस तरह कर सकते हैं कि अगर 32 से 36 तक ले लें और फिर 37, 41, इस तरह देर सही नहीं होगा जी? इसमें यह है ना कि ये कंटिन्यूअस डेटा है। अब यहाँ पे एक बंदा आ सकता है जिसकी एज जो है वो 36 इयर्स और 6 मंथ से, उसने आपको बता दिया 36 इयर्स और 6 मंथ से, तो आपने पहला वाला तो 36 पे खत्म कर दिया है। अगर आपने इसको 36 पे खत्म कर दिया है तो दूसरे में भी तो उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो 37 से शुरू हो रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए हमने ये किया है कि ये हमने एक माइनस का निशान लगा दिया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसी तरह करेंगे कि 32 से 37 बार तक करेंगे, और नेक्स्ट जो है 37 से 42 तक बार तक करेंगे। तो ये बार मीन्स कि 37 एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होगा और नेक्स्ट में चला जाएगा। जब आप एक्सपर्ट्स हो जाएंगे तो फिर अगर आपने बार नहीं लिखा, 32 से 37 लिख दिया, 37 से 42 लिख दिया, 42 से 47 लिख दिया, तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जी ये 37 वाला जो है दो जगहों पे नहीं आ रहा है, वो पहले वाले में नहीं है मौजूद और दूसरे वाले में मौजूद है। सर, इसको हम लेस देन 37 ईयर भी लिख सकते हैं ना सर? लेस देन वाला निशान अगर साथ लगाए तो उसका भी ये बार वाला मतलब हो सकता है। जी बिल्कुल, आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल। जी सर, क्लियर है। तो अब डेटा में चले जाएं और डेटा में आप देख लें कि 32 से लेकर अप टू 37 इयर्स तक कितने लोग मौजूद हैं। तो हम डेटा में चले जाते हैं और देखें, ये डेटा हमारे पास मौजूद है, सबको नजर आ रहे हैं। इसमें देखें अप टू 37 आपके पास 36, 32 और 32 मौजूद है, तीन लोग फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिखी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है? 30 है, 30 में इसका हिस्सा 3/30 है, 0.1 आपके पास आ रहा है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी वही आएगी, और कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही आएगी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। नेक्स्ट में चले जाएं, 37 से 42 तक आपने काउंट किया, वहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, 37 से 42 ईयर्स के बीच में दो लोग हैं, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 और 2/30 लिख दिया, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने 2 और 3 को प्लस कर दिया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने 5 लिख दिया, और कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने 5/30 लिख दिया। क्लियर है? ये तो उसी तरह आपने बना दिया जिस तरह इससे पहले वाला आपने बार चार्ट आपने बनाया था। अब यहाँ पे जो हम बनाएंगे इसको बार चार्ट नहीं कहते हैं, वो बार चार्ट की शक्ल का है, लेकिन इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ये आपके पास हिस्टोग्राम आ रहा है, और ये हिस्टोग्राम नीचे आप देख लें, ये 32 से ये जो पहला बार है 32 से शुरू हो रहा है और 37 पे ये खत्म हो रहा है, नजर आ रहा है आपको? ये जो है 32 से शुरू हो रहा है और ये 37 बार पे खत्म हो रहा है, लेकिन 37 बार और 37 के दरमियान में कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, तो आप दरमियान में कोई चीज नहीं है, हिस्सा ही नहीं है, तो आप 37 पे एक खत्म हो रहा है और 37 से दूसरा शुरू हो रहा है, 42 पे ये खत्म हो रहा है और 42 से तीसरा शुरू हो रहा है, 47 पे खत्म हो रहा है, 47 से शुरू हो रहा है, 52 पे खत्म हो रहा है, 52 से शुरू हो रहा है, और ये देखें ये आपके पास एक बार और दूसरे बार के दरमियान में फर्क नहीं है,
कंटिन्यूटी में आ रहा है, वो दरमियान में जो स्पेस था जिसमें आप जंप कर रहे थे वो जंपिंग खत्म हो गई, कंटिन्यूटी आ रही है। और जैसे ये आप देख लें तो एक तो इसकी जो नाम है वो हिस्टोग्राम कहलाता है, ये हिस्टोग्राम है आपके पास। और यहाँ पे जो जो इसका जो आपको बता रहा है कि ये किस किस्म के डेटा से आपके पास आ रहा है, तो आप फौरन कह दें कि जी ये डिस्क्रीट डेटा नहीं है, ये कंटिन्यूस डेटा से आपके पास आ रहा है। कहाँ पे खत्म हो रहा है? 72 पे खत्म हो रहा है। ये जो इसके ऊपर ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये ग्राफ अभी आप छोड़ दें, लेकिन इसका नाम ये नॉर्मल कर्व आपके पास है, नॉर्मल कर्व का ग्राफ है ये, सिर्फ नाम इसका जरा याद कर लें, ये नॉर्मल कर्व। और इस पे हम डिस्कशन करेंगे, 4-5 लेक्चर्स की डिस्कशन हम करेंगे। तो ये कंटिन्यूस डेटा को आपने डिवीजन में ले लिया, ग्रुप्स में ले लिया, क्लासेस में ले लिया, और उन क्लासेस के लिए अब आपने ग्राफ या डायग्राम बना दिया है और शो कर दिया है। तो आपकी कहानी और भी आसानी से समझ में आ रही है। ये देखिए यहाँ से बड़ी आसानी से एक ही सेकंड में आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा पेशेंट्स किस एज में हैं। सबसे ज्यादा पेशेंट जो हैं वो 52 इयर्स और 57 इयर्स के बीच में आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। ये जो है ये हिस्टोग्राम कहलाता है, ये जो है आपके पास ओगाइव कहलाता है, जो कि हमने कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनाते हैं। और ये आप जो अभी ये कोरोना के केसेस हो रहे हैं वो आपको बता रहे कि ये फरवरी में कितने हुए हैं और फिर फरवरी और मार्च में कितने हुए हैं और आज तक उसकी जो सबसे अपर लिमिट है वो हमने क्रॉस कर ली है। वो आपको बता रहे कि एक दिन में आपके पास 6,000 पेशेंट्स भी आ गए थे और अभी आपके पास वो जो है 6,000 पेशेंट्स थे, तो वो हिस्टोग्राम आपको बताता है। और जो ओगाइव है वो आपको ये बताता है कि जी अभी तक, यानी अभी अगस्त है, 6 अगस्त के तक आपके पास टोटल कितने 2,80,000 आपके पास केसेस आ गए हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी ये आपको 2,80,000 बताएगी। तो ये ओगाइव इसको कहते हैं। जब कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप बनाते हैं तो उसको ओगाइव कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी के लिए आप बनाते हैं उसको हिस्टोग्राम या बार चार्ट कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट देखें, ये यहां से इस पोजीशन को हम 12 o'clock पोजीशन कहते हैं। ये 12 बज गए हैं यहाँ पे, ये 12 बजे से हम शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला जो हमारे पास डिवीजन होती है, जो 32 से 37 इयर्स तक डिवीजन है, उसके लिए हम इसके लिए पाई बना देते हैं। पाई बड़ी होगी तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पाई छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और ये देखें आपको बता रहा है कि ये जो 52 से 57 इयर्स तक है इसमें सबसे बड़ी पाई आपके पास मौजूद है, सबसे बड़ा हिस्सा आपके पास यहाँ पे मौजूद है। और लेकिन पाई चार्ट में ये चीज है कि पाई चार्ट आपको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इस पे। ये एक पाई चार्ट एक पेज पे होगा, दूसरा पाई चार्ट दूसरे पेज पे होगा, तो कंपैरिजन जरा बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये पाई चार्ट आजकल आउट ऑफ फैशन हो चुका है, लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं स्टेटिस्टिक्स में। ये हालांकि बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि थीसिस में इसकी जो वो है वो कम से कम होती जा रही है। इसके बाद जो हमारे पास है वो ट्री एंड लीफ या स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। स्टेम एंड लीफ डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। और ये देखें, ये आपके पास अगर 54 इयर्स है तो 54 इयर्स में आपके पास दो नंबर्स हैं, एक 5 है और एक 4 है। 5 जो है वो डिसाइल पे है और 4 जो है यूनिट प्लेस पे। तो जो यूनिट प्लेस पे है इसको हम लीफ कहते हैं, लीफ कहते हैं, ठीक है। और जो ये 5 है ये स्टेम है। तो ये देखें, ये 54 जो है इसका 5 हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्री में या स्टेम में लिख देते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे जो लीफ का हिस्सा होता है उसमें हमने 4 लिख दिया। अब देखें 50 में हमारे पास दूसरा नंबर है 58,
तो ये फाइव मैंने वही फाइव जो हमारे पास स्टेम में लिखा ही है उसके सामने मैंने एट भी लिख दिया। ये देखें एक और 57 है हमारे पास जिसमें वही स्टेम है फाइव और उसका जो लीफ है वो सेवन है। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों नंबर यहाँ पे मैंने जो लिख दिए जो लीफ है ये आपको बता रहे हैं कि इनका स्टेम एक है फिफ्टीज है और जो इसके लीफ है 50 के लीव्स जो हैं वो तीन है यानी एक जो है वो 54 ये एक 57 और एक 58। तो यहाँ पे तीन लोग हैं फ्रीक्वेंसीज जो आपके पास बताई जा रही हैं ये लीव्स की मदद से बताई जा रही हैं तीन लोग हैं और इन सब की एज जो है वो आपको एग्जैक्टली भी बताई जा रही है 54 57 और 58। और इसके लिए अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल बार बना दिया ये देखें जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका बार जो है वो छोटा होगा सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका बार बड़ा होगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका बार जो है छोटा होगा। लेकिन ये बार चार्ट से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर्स भी आपके पास मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पे 40 है 40s में कितने लोग मौजूद हैं 40s में आपके पास दो लोग तीन लोग मौजूद हैं जिनकी एज है 42 ईयर्स 43 ईयर्स और 49 ईयर। 60s में कितने लोग मौजूद हैं तो 60s में आपके पास दो लोग मौजूद हैं जो कि 61 है और 64 है। जी बेटा क्वेश्चन दोबारा करें आपकी आवाज की समझ नहीं है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है सर। अच्छा देखें 30s में देख लें 30s में आपके पास कितने लोग मौजूद हैं तो 30s जो स्टेम है वो 30 है और जो इसके लीव्स हैं वो 5 और 2 है। तो आपके पास दो लोग मौजूद हैं 30s में जिनकी एज 32 ईयर्स और 35 ईयर्स है। तो ये आपके पास ट्री एंड लीफ इसी तरह आ जाता है ट्री एंड लीफ है। ये 614 नहीं है बल्कि 60s में एक बंदे की एज 61 ईयर्स है और एक बंदे की एज 64 ईयर्स है। आगे जाएं ये क्लियर हो गया। यस सर यस सर आगे जाएं ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है। बॉक्स जिस तरह एक बक्से की शक्ल होती है वो बॉक्स प्लॉट कहलाता है। तो इसमें क्या है वो पहला वाला डेटा जो है वो एक दफा फिर याद करें वो हमारे पास 32 ईयर से शुरू हो गया था और 71 ईयर्स तक गया था। तो हमने क्या किया ये 32 ईयर्स के सामने हमने एक हॉरिजॉन्टल लकीर खींच दी और 71 ईयर्स के सामने एक हमने हॉरिजॉन्टल लकीर खींच दी और इन दोनों को हमने मिला दिया एक वर्टिकल लकीर के जरिए हमने 32 ईयर से लेकर 71 ईयर्स तक हमने मिला दिया। अब इसके दरमियान में हमने जो इनका दरमियानी हिस्सा है वो हमने मालूम किया कि इनका दरमियानी हिस्सा कौन सा है 32 से लेकर अगर 71 ईयर्स तक हमारे पास 100% लोग हैं तो 50% लोग कहाँ पे मौजूद है। तो मीडियन हमने मालूम किया और मीडियन के सामने भी हमने एक लकीर खींच दी। फिर हमने जो ऊपर वाला जो क्वार्टाइल है जो ऊपर वाला यानी ये जो है ये तकरीबन 56 ईयर्स के लगभग आती है तो 56 ईयर और 71 ईयर्स के दरमियानी मीडियन भी हमने मालूम किया ये हमारे पास 61 ईयर्स के लगभग आता है। और जो हमने नीचे वाला है 32 ईयर से लेकर 56 ईयर इसकी भी हमने एक मीडियन मालूम की और यहाँ पे भी हमने एक लकीर खींची। अब हमने कितनी लकीरें खींची हैं 1, 2, 3, 4 और 5 लकीरें खींची हैं और इन 5 लकीरों की मदद से हमने अपने डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी ये हमारे पास ये लकीर जो है ये बताता है कि ये 50% डेटा आपका नीचे मौजूद है और 50% ऊपर मौजूद है 56 ईयर से ये दरमियान में है 50% लोग यहाँ पे हैं और 50% लोग यहाँ पे हैं। फिर हमने हमारे पास जो ये ऊपर वाली लकीर है ये इसने ऊपर वाले जो 50% लोग हैं उसको उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है 25% लोग यहाँ पे मौजूद हैं
25% लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह ये नीचे वाली लकीर ने भी नीचे वाले 50% को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये 50% 25% यहाँ पे है और इसका आधा हिस्सा 25% यहाँ पे है। तो आपके पास ये डेटा चार हिस्सों में या चार क्वार्टाइल्स में डिवाइड हो गया है, और ये जो है ये आपको बताते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये जो दरमियान में जो हमारे पास ये डेटा है, इसकी जो दो क्वार्टाइल्स हैं इनको हम आपस में मिला देते हैं। ये जो हमारे पास होता है ये 50% डेटा है, और ये जो रेंज है ये तकरीबन 62 से लेकर ये हमारे पास कोई 44 या 45 के दरमियान में, यहाँ पे 50% लोग मौजूद हैं, और इस रेंज को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। तो कभी कभी हम मीन भी मालूम करते हैं डेटा की, और उसके लिए हम उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन दे देते हैं, और कभी हमारे पास जो डेटा होता है वो एक साइड पे झुका हुआ होता है या दूसरी साइड पे झुका हुआ होता है, वो जो उसके दरमियान में जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो जब सिमेट्रिकल कर्व नहीं है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि जी मीडियन आप बता दें, और उसके साथ हम इंटर क्वार्टाइल रेंज लोगों को बता देते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीडियन बताने से भी हम अपने डेटा को लोगों को समझाने के लिए दे सकते हैं। तो ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट हो गया, इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं। ये इसकी मूंछें हैं जो बिल्ली की मूंछों की तरह हैं, एक साइड पे और दूसरी साइड पे, ये बॉक्स प्लॉट और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी इसको कहते हैं। ये दूसरे नाम में इसलिए कभी कभी आपको बताता हूँ कि फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये बॉक्स प्लॉट क्या होता है और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है, तो दोनों एक ही चीज है। आगे जाएं जी। जी आखिरी जो हमारे पास है नंबर 8 पे, वो स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट में दो क्वांटिटेटिव, अब दो वेरिएबल्स की, अब तक हम एक ही वेरिएबल की बात करते थे, अब दो वेरिएबल्स की बात आ गई है। दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बताते हैं, उसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ये जो हमारे पास थे, यहाँ पे अगर आप एक साइड पे लोगों की एज ले लें और दूसरी साइड पे आप ब्लड प्रेशर ले लें, तो ये एज है, सपोज यहाँ पे एज 15 इयर्स है, तो 15 इयर्स वाले बंदे की आपने ब्लड प्रेशर ले लिया, और जहाँ पे इसका ब्लड प्रेशर है वहाँ पर आपने एक डॉट लगा दिया। जो 20 इयर्स का बंदा है उसके लिए आपने एक डॉट लगा दिया, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, डॉट लगा दिया। जो 25 इयर्स के लोग हैं उसके लिए, जो 30 इयर्स का बंदा है उसके लिए आपने, तो इस तरह आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने ले लिया, और एक बंदे के लिए, हर एक बंदे के लिए एक साइड पे आपने एज ले ली और दूसरी साइड पे उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लिया, जहाँ पे दोनों कोइंसाइड करते हैं उस जगह पे आपने डॉट्स लगा दिए। क्या ये डॉट्स आपको एक ट्रेंड शो करते हैं? जी बिल्कुल, ये डॉट्स तो मुझे एक ट्रेंड शो करते हैं। सबसे पहले जो डॉट आ रहा है और उसके बाद डॉट्स आ रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मींस कि ये वेरिएबल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है एज वाला, तो दूसरी साइड पे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। जितनी एज इंक्रीज हो रही है उतना ही आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड, जी बिल्कुल, इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, और ये अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो इट मींस कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप मौजूद है, और ये रिलेशनशिप मौजूद है तो ये रिलेशनशिप जो है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हम इसको कहते हैं। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी ये रिलेशनशिप नीचे आती है, एक पहले डॉट्स इधर होते हैं और फिर ये डॉट्स नीचे आते हैं, तो ये जो आपके पास ये जो है एज अगर इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास प्राइस ऑफ जो कार है, गाड़ी की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो रही है। जितनी गाड़ी पुरानी होती जा रही है, पहले साल जो है उसकी 20 लाख की कीमत होती है, लेकिन 4-5 साल के बाद उसकी कीमत 10 लाख पे आ जाती है। तो जब एक इंक्रीज हो रही है, एज इंक्रीज हो रही है और उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं।
नेगेटिव एसोसिएशन कहते हैं, एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। और कभी कभी हमारे पास इस तरह भी होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, ये डॉट इधर है तो इसका डॉट भी इधर है, इसका डॉट इधर है तो इसका डॉट भी इधर है, कोई ट्रेंड ही नजर नहीं आता है। तो जब आपके पास ट्रेंड मौजूद नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि जी कोई यहाँ पे एसोसिएशन मौजूद नहीं है। क्लियर है, ये पॉजिटिव एसोसिएशन है, देखें ट्रेंड मौजूद है, नीचे से ऊपर जा और ये देखें कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है। जी ये मैं आपको एक क्लास वर्क एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ। ये जो आपके पास हैं स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फ्रेंच है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है और साइंस है, ये 150 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स है, पॉपुलर स्कूल सब्जेक्ट इज गिवन बिलो। ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं इनको फ्रेंच अच्छी लगती है, 20 स्टूडेंट्स को इंग्लिश अच्छी लगती है, तो इनके लिए एक बार चार्ट आप जल्दी से बना दें, रफ सा बार चार्ट बना दें। एक मिनट के अंदर अंदर बना दें। प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल, जो आपको पसंद है वो चीज बना दें। आपने अपने इस डेटा की कहानी मुझे बतानी है, बस सिर्फ मैंने आप पे छोड़ दिया कि आप ग्राफ बनाते हैं नहीं बनाते हैं, दूसरे कौन सा बार चार्ट बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, क्या चीज यहाँ पे अच्छी लग रही होगी। ठीक है, जो भी चीज अच्छी लग रही है वही चीज बना। क्लियर हो गया? सर जी, सर कल वाला लेक्चर आप काइंडली अगर शेयर करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ये भी जरा मैंने आपको कह दिया है कि वो एक बंदा जो है उसको मैं ईमेल कर दूंगा और वो आपको दे देगा। ये जो है ये डेटा है, 25 लोग हैं और उनका एक जो वेट कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एडमिशन लिए, 5 वीक के बाद उनका वेट लूज हो गया है, किसी का 8 पाउंड लूज हो गया, किसी का 7 पाउंड, किसी का 10 पाउंड। तो अब जो आपने जो इनका डेटा बनाना है वो डेटा कुछ इस तरह बनाना है कि उसके लिए मैंने शर्त आपको दे दी है, 4 इक्वल क्लास इंटरवल में और हर एक इंटरवल में जो उसकी वेट्थ होगी वो 3 यूनिट्स की होगी। ठीक है, और आप क्या बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं, और जो मोस्ट कॉमन वेट क्लास है वो आपने मुझे बताना है। सर ये कब तक सबमिट करना है? तो सर वो होमवर्क जो दिया वो उसका हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो हमें इसलिए वो लेक्चर चाहिए था। एक सेकंड जी, इस तरह है कि अगर आप लोग ये नेक्स्ट वीक करते रहेंगे तो नेक्स्ट वीक तक तो आपके पास 7 होमवर्क मजीद पहुंच चुके होंगे, क्योंकि अब तो आपको पता है कि हमारा लेक्चर जो है वो हर रोज हो रहा है, तो ये तो आप अपने ऊपर बर्डन ज्यादा कर रही है, कम नहीं कर रही है। इस पे आप जितना कम टाइम लगाएं उतने ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर रोज हमारे लेक्चर्स हैं तो आप हर रोज मेरे ख्याल में ये इस पे होमवर्क कर दिया करें और मुझे उसी दिन दूसरे दिन आप मुझे ईमेल कर दिया करें। ठीक है सर, सर हम कल तक कर देंगे, आप ईमेल बता दें अपना। जी मेरा ईमेल नोट कर दें, बड़ा सिंपल है, हामिद हुसैन HAMID HUSSAIN 22@hotmail.com। ठीक है सर। ठीक हो गया सर, ये हम नोटबुक पे करें या कंप्यूटर पे बनाएं? सर मेरे ख्याल में आप कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, आप कंप्यूटर पे बनाना शुरू कर दें। यस सर, कंप्यूटर पे बना के सेंड करेंगे। जी बिल्कुल, कंप्यूटर पे बनाना शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।
ठीक है जी, इसी जगह पे हम एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई वो है तो आप कर सकते हैं। सर ये ऊपर ये 38-39 नंबर स्लाइड सर, 38-39 ये मैंने छोड़ दिए थे, 37 ये ट्यूटोरियल था, एक ट्यूटोरियल था, ये मैंने छोड़ दिया था, वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कोई खास इसमें कोई चीज है नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, अच्छा कल इंशाल्लाह हम मेन जो आपके पास है और स्टैंड डिविजन ये हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग प्लीज इसको जरा अपने बुक्स में जरा पढ़े भी, ताकि आप लोग बिल्कुल खाली जहन मेरे सामने ना बैठे हो, तो कुछ ना कुछ आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपको समझ आता हो, कुछ नहीं आता हो तो आसानी रहेगी। मेन, मीडियन मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और वेरिएंस है हमारे पास, तो ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। कल का लेक्चर आप लोग फिर ज़रा थोड़ा सा रीड कर दें बुक्स में से। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।